देवास जिले के बागली में गांधी कॉलोनी में वार्ड क्रमांक 6 निवासी बाटू सिंह का निधन पिछले वर्ष दिनांक 13 जून 2019 को हो गया था, लेकिन बागली नगर पंचायत की लापरवाही के चलते बाटू सिंह को तो नगर पंचायत ने उसकी समग्र आईडी में वर्तमान में जीवित रखा है, परंतु उसकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया है। लेकिन उनकी पत्नी मनुबाई को मृत घोषित कर दिया गया। समग्र आईडी पर मृत होने के बाद मनुबाई को किसी भी प्रकार की शासकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। साथ ही उनके पति के निधन के बाद उन्हें संबल योजना का भी किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। आदिवासी मनुबाई ने बताया कि मेरे परिवार में अब कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार सूचना देने पर भी उन्होंने आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आपके समग्र आईडी को लेकर क्या मामला? पति का बदला मेरा नाम काट दिए। कितना समय हो गया? साल भर से ऊपर हो गया। नगर पालिका में जाते कोई सुनवाई नहीं होती, बार बार दौड़ कर जाते फिर भी वापस पहुंचा देते, कहीं भी सुनवाई नहीं। समग्र आईडी में आपको मृत घोषित कर दिया? मतलब घोषित कर दी मेरे को। पति का पहले मेरे को मार दी। और आपके पति का नाम चल रहा है अभी? समीर पति का नाम चल रहा है और मेरे को मार दी। क्या और कहाँ के अधिकारियों को आपने अवगत कराया समस्या? कहाँ कहाँ आपने बोला? आवेदन दिया है, आवेदन दिया, देवास दिया, कलेक्टर साहब के पास में गए थे कल। कितने बच्चे हैं आपके? 4। 4 बच्चे हैं और योजना कोई लाभ नहीं मिल पा रहा? कुछ भी नहीं मिला अभी तक, कुछ भी लाभ नहीं उठाया, जाते तो मना कर दे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।